fuck. Oh, oh my god. बाढ़ में बह रहे मकान, सैलाब ने निकली 100 जान। पहाड़ों में बड़ी हलचल, तबाही का डर पल पल। मॉनसून का ब्रेक फेल, बारिश बाढ़ रिकॉर्ड तो। पहाड़ मैदान और रेगिस्तान, तबाही झेलता आधा हिंदुस्तान। 2 फीट और बढ़ेगा तो पहाड़ आ जाएगा। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। तस्वीर नंबर 4 और तस्वीर नंबर 5। इस बरस बदरा ऐसे बरसे कि मौसम विभाग के अनुमान धरे के धरे रह गए। बारिश ने बीते 4 दशक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, जिससे पहाड़ से लेकर मैदान और रेगिस्तान तक अब बाढ़ के हालात हैं। पहाड़ी इलाकों से भयावह तस्वीरें लगातार सामने आ रही, कहीं मकान सैलाब में बह रहे हैं तो कहीं नदियों में कटाव जारी, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं सैलाब गाड़ियां वहां ले जा रहा है। बीते 4 दिन में बाढ़ बारिश की वजह से देश के 5 राज्यों में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हजारों करोड़ का नुकसान राज्यों को उठाना पड़ा। अकेले हिमाचल प्रदेश को 4,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वजह, मॉनसून का ब्रेक फेल होना। कैसे हर दिन पहाड़ से लेकर मैदान तक की आफत बरस रही है। इंसान कुदरत के कहर के आगे बेबस नजर आ रहा है। आखिर इस मुसीबत से राहत कब मिलेगी, आपको इस खास पेशकश में सब बताएंगे और तस्वीरें दिखाएंगे। नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर, मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज बात आधे हिंदुस्तान पर छाए कुदरत के उस कहर की, जिसने देश के 5 राज्यों में कोहराम मचा रखा है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और दिल्ली से लेकर राजस्थान तक में मानसून ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहाड़ पर तो मानसून मौत बनकर बरस रहा है। कोई पानी के भंवर जाल में फंसाए तो कहीं पानी सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा है।
पिछले चार दिनों में मॉनसून ने जिस तरह से किलर एंट्री की है उसने टेंशन का मीटर बढ़ा दिया है। आखिर पहाड़ों का हाल क्या है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुसीबत की बारिश और बाढ़, कुदरत की खौफनाक दहा, डैम में दहशत का फैला, सड़क पर समंदर सा बहा, आफत की खौफनाक तस्वीर, तबाही आई चट्टान जी, बाढ़ बारिश लहर, मॉनसून का कैसा कहर, ये कुदरत का क्रोध है। ये सैलाब का तांडव है। कहीं डैम से गरजती हुई लहरें निकल रही, कहीं नदी की तेज धारा में कार किसी खिलौने की तरह बह रही, कहीं आफत की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, कहीं सड़क पर चट्टान धाराशाही होकर रिहायशी बस्तियों में कोहराम मचा रहा है, कहीं बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से गिरकर सड़क को ही निकलने को आमदा, कहीं गरजती लहरों से होकर जिंदगियां बचाई जा रही हैं, कहीं नदी का जलस्तर लोगों में खौफ फैला रहा है, ये आधे हिंदुस्तान की तस्वीरें जो डरा रही हैं। अभी मॉनसून को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए कि कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया, क्या पहाड़ क्या मैदान, हर तरफ सैलाब का सितम जारी है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि देश में कुदरत के कहर से हालात किस कदर खराब हो रहे हैं। कहीं कार बह रही है तो कहीं इंसानी बस्तियां उजड़ रही है, कहीं पानी का दलदला पुल को बहा ले जा रहा है तो कहीं नदी की तेज धार इंसानी जिंदगी को चेतावनी दे रही है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, भारत के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें या यूं कहें तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है कि जिसे देखकर इंसान तो इंसान भगवान भी हैरान हो जाए। कुल मिलाकर हर तरफ बरसात के बादलों ने सतम का ऐसा सैलाब दिखाया है जिसे देखकर इंसान तो बस यही दुआ मांग रहा है कि हे भगवान अब बंद करो, बारिश से तबाही का ये मंजर अब बंद करो। चाहे हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड, पहाड़ का जर्रा जर्रा दरक रहा है, पानी का तेज बहाव लोगों की जिंदगियां लील रही है,
कोई मझधार में फंसा है तो कोई चट्टानों के घेरे में कैद है। ये आधे हिंदुस्तान की स्याह हकीकत है जो मानसून के पहले झटके से जार जार हो रही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी सैलाब का सतर्क जारी है। लगातार हो रही बारिश और उसके बाद मचे सैलाब के सतर्क ने लोगों को डरा दिया। अब इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर किन्नौर के सांगला बाजार की है, जहां नाले में आए तेज बहाव में टूरिस्टों की कई गाड़ियां आ गई। हालात ये हो गए कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाढ़ की वजह से नाली में मलबा बहते हुए बाजार की तरफ आ गया और फिर क्या हुआ, तस्वीरें गवाह है। भारी बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल के कुल्लू में ही देखने को मिला है, जहां सैलाब ने वो कहर बरपाया है जिसकी कल्पना से ही रूह कांप जाए। हालात ये हैं कि कई जगह सड़कें बह गई हैं, तो कहीं पूरा का पूरा रिहायशी इलाका ही तबाह हो गया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि कुल्लू में मॉनसून की पहली बारिश ने कैसा कोहराम मचाया है। जिधर देखेंगे, जहां तक नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ तबाही के ही निशान नजर आएंगे। कुल्लू की तरह मनाली में भी भारी बारिश और बाढ़ ने कहर बरपाया है। कहीं सैलाब की चपेट में मकान आ गए तो कहीं पूरा का पूरा पुल ही बह गया। कहीं सड़कें बह गई तो कहीं चट्टानों ने रास्ता रोक दिया। मनाली में सैलाब के सतम में क्या क्या हुआ, ये उसकी सबसे लेटेस्ट तस्वीरें। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पर्यटकों से गुलजार रहने वाला मनाली किस तरह से सैलाब के सतम से करा रहा है। हिमाचल प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में भी सैलाब का सतम जारी है। तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां गंगोत्री की तरफ जाने वाला रास्ता पानी में बह गया। साफ देखा जा सकता है कि लोग कितने डरे और सहमे हैं। वहीं सड़क बह जाने के कारण कई लोग बीच रास्ते में फंस गए। हालात यह है कि लोगों को अपनी जान का डर सताने लगा है। देखिए, जब सैलाब में बस फंस गई और बहने को थी, तब बस में सवार 50 से ज्यादा यात्रियों की सांसें अटक गई। लोग किसी तरह बस के ऊपरी हिस्से में आने लगे और अपनी जान बचाने के लिए बस से सैलाब में ही कूदने लगे। तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां किसी तरह बस में सवार यात्रियों ने अपनी जान बचाई। ये लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ दरक रहा है और उसके बाद पहाड़ का एक हिस्सा पास बनी सड़क पर आकर गिरता है, जिसके बाद पूरा इलाका सफेद रंग के गुबार से भर जाता है। गनीमत ये रही कि उस वक्त सड़क से कोई नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में लैंडस्लाइड हो रही है, तो कहीं बादल फटने की घटना सामने आ रही है, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी के भयानक बवंडर की तस्वीरें उत्तराखंड के धारचूला की है, जहां बाढ़ की वजह से नदियों में कुछ इस तरह का उफान उठ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से धौली और काली नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से नदी के आसपास के इलाकों को प्रशासन खाली करा रही है, ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। हरिद्वार में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। क्या सड़क, क्या गली और क्या मकान, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। हरिद्वार के कई इलाकों में लोग जल भराव से परेशान हैं। कई इलाकों में पानी घर से लेकर गली मोहल्लों में घुस गया, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालात ये हैं कि लोग घरों से पानी निकालने के लिए बाल्टियों का सहारा ले रहे हैं। दरअसल इस साल मॉनसून ने किलर एंट्री ली। मॉनसून के शुरुआत में जिस तरह से कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया, उसने सभी को डरा दिया। अगर बारिश और बाढ़ से पूरे देश में नुकसान की बात करें, तो देश के 5 राज्यों में भारी बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 4 दिनों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 10,000 टूरिस्ट फंसे हैं। हिमाचल में अब तक 4,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देश के मैदानी इलाके पंजाब, दिल्ली, राजस्थान भी बारिश से प्रभावित है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो और भी राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़,
झारखंड, महाराष्ट्र, गोवा में आने वाले दिनों में तेज बारिश हो सकती है, जबकि आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और गंगाई पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बारिश की संभावना ना के बराबर है। वहीं बिहार, तेलंगाना में बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देश में अभी मॉनसून का अलार्म बजा ही है, लेकिन बारिश और बाढ़ के अलर्ट ने राज्यों और शहरों को डरा दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक कुदरत का तांडव जारी है, और अब कौन सी नदी अपना आपा खोकर इंसानी जिंदगी को उजाड़ देगी, कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।